आपने पराली की बात की है, केजरीवाल जी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर इसी पर वार करते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं उससे बड़ा प्रहार कर रहा हूँ। उमंग बजाज जी का डंका ले रहे हैं 100%। 5 साल से बीजेपी ही थे यहाँ पर पार्षद में। हाँ जी, फूल खिलेगा काम पे, फूल खिलेगा काम पे। उमंग बजाज जी ने हेलो की सेवा बहुत कुछ है, सेवा उसका सेवा ही धर्म है और सेवा के नाम से ही जीनेगा। नरेना गांव 85% बीजेपी का है। और मैं भी 6 महीने पहले आप में चला गया, तो उनकी ईमानदारी देख के मैं दोबारा बीजेपी में आ गया। समस्याओं का अंत अगर कोई कर सकता है तो वो केवल उमंग बजाज कर सकता है। ऐसा है, केजरीवाल तो उससे बड़ा झूठा मक्कार हिंदुस्तान के इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ। जनता जाग चुकी है, उमंग बजाज, उमंग बजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रवि। दिल्ली में नगर निगम चुनावों की जो एक प्रचार प्रसार की रेस है, हर पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। अभी हम राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड में मौजूद हैं। यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो उमंग बजाज हैं और आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं वो विजेंद्र गर्ग हैं। अभी यहां पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो आए हुए थे। चलिए उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। उमंग बजाज जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके समर्थन में वो आए हैं। चलिए लेकर चलते कि बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में और क्या लगता है उनको कि अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं वो कहां तक सच होंगे। गुजरात में भी हमारी विजय होने जा रही है, हिमाचल में विजय होने जा रही है, एक ही दिन में सब रिजल्ट आएंगे, सब तरफ कमल खिलेगा। और अभी जो परिणाम आ रहे हैं इन दिनों में भी, जैसे हमारा हरियाणा का जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का कल रिजल्ट था, आपने देखा होगा कि लगभग 450 सीटों में से हमारे इस केजरीवाल भाई की 214 सीटें आई हैं और 200 के लगभग बीजेपी के लोग जीते हैं, बाकी फुटकर इंडिपेंडेंट भी काफ़ी जीते हैं। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड होने के नाते से हम ये कह सकते हैं कि वातावरण में स्थानीय निकाय में भाजपा की जीत के संकेत मिल रहे हैं। सर, आपने पराली की बात की है, केजरीवाल जी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर इसी पर वार करते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं उससे बड़ा प्रहार कर रहा हूँ। और यह नारायणा वार्ड की बात करें तो नारायणा वार्ड में उमंग जी हैं और 5 साल से बीजेपी के ही प्रत्याशी थे। आपको लगता है दोबारा जनता उमंग जी पर विश्वास दिखाएगी? दिखाएगी, निश्चित दिखाएगी। वातावरण बदल गया है, पहले नगर निगम के 3 हिस्से थे, ताकत बहुत कम थी, लेकिन अब जब ज्वाइंट नगर निगम बना है तो एक बराबर की ताकत प्रदेश सरकार के सामने खड़ी है और उसका जो गलत काम है केजरीवाल के, उसका मुकाबला करने के लिए हम हमारी पॉइंट पर क्या कहना चाहेंगे? चलिए, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का यही कहना है कोई भी पार्टी हो, भाजपा, आम आदमी पार्टी, निर्दल या फिर कांग्रेस, जो नेता है चुनाव के बाद विलुप्त हो जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता सेवा का काम करते हैं, सेवा के नाते से जनता में खूब रहते हैं, काम करने के बाद कोई झूठा प्रचार नहीं करते हैं जैसे केजरीवाल की तरह सैकड़ों करोड़ रुपया उसके अंदर खराब कर दे। इसलिए हम केवल सेवा करते हैं, काम करते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे जितने प्रदेशों में मुख्यमंत्री हों, या हमारे जहाँ स्थानीय निकाय के अंदर जो लोग जीत का है सेवा का काम करते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी से हमने आपकी बातचीत करवा दी है, यहाँ पे पूरी जनता उमड़ी हुई है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद थे बीजेपी की तरफ से। पूरी जनता से आपकी बातचीत करवाएंगे, उनसे जानते हैं कि नारायणा की जो जनता है वो किस तरफ है इस बार। उमंग बजाज जी का डंका ले रहे हैं 100%। 5 साल से बीजेपी ही थे यहाँ पर पार्षद में। हाँ जी, फूल खिलेगा काम पे, फूल खिलेगा काम पे। उमंग बजाज जी ने हेलो की सेवा बहुत कुछ है, सेवा उसका सेवा ही धर्म है और सेवा के नाम से ही जीनेगा। नरेना गांव 85% बीजेपी का है। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं देख रहे आप? इसलिए नहीं देख रहे, पिछले साल विधायक था उसने कुछ है, आम आदमी का वो 5 साल MLA रह चुका है और उसके कार्यस्थानीय हम देख चुके हैं। तो फिर उसको दोबारा काउंसलर को टिकट दिया है, जब उन्हें MLA में काम नहीं किया तो काउंसलर क्या करेगा? अच्छा, क्या क्या शिकायत है क्या आपको आम आदमी पार्टी से, जब वो 5 साल विधायक थे, क्या सुनवाई नहीं हुई है जनता? सुनवाई हमारे तो गाँव में भी नहीं आया 5 साल में एक दफा भी, वो ना कोई काम किया उन्होंने बिल्कुल भी। बीजेपी के क्या क्या आपको मुद्दे अच्छे लगते हैं, क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप उमंग बजाज जी को उन मुद्दों पर वोट देंगे? उमंग बजाज जी जो हैं, अभी जो 2 साल का पीरियड था ना कोरोना का मैडम, उसमें इन्होंने इतनी सेवा करी, सब अपने अपने घरों में बैठे थे, इसने जो है गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी वालों को वहाँ पर भोजन करवाना, उनकी वैक्सीन करवाना, और जैसे मच्छरों का उसका वो था दवाई छिड़वाता था। सबसे बड़ी बात है इसने जो भोजन दिया है सुबह शाम गरीब आदमियों को, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उस समय कोई आदमी अपने घरों से बाहर नहीं आ रहा था। और अभी मनोहर लाल जी आए हुए थे यहाँ पर, हरियाणा के जो CM हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? मनोहर लाल जी तो भाई आप देखो ना, हरियाणा में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, वो तो इसी वजह से आए थे, उन्होंने शपथ भी दिलवाई है उसे कि ना भ्रष्टाचार करेंगे ना करने देंगे। अभी शपथ दिलाई है ना जी उमंग को भी, तो ये है ईमानदारी से चल रहे भी। हाँ,
हमारे साथ पूर्व पार्षद मिस मालती जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या लग रहा है जनता का हाल? जनता से बातचीत कर रही होंगी आप? देखिए, जनता जो है हमें समर्थन दे रही है, और जो है जो लोग नाराज बैठे थे वो भी हमारे बिल्कुल फील्ड में उतर चुके हैं पूरे के पूरे। तो ये जो माहौल है, इस टाइम पे जो माहौल है बिल्कुल गर्म है और उमंग के फेवर में है। और हर इंसान, क्योंकि देखो उमंग ने जो सेवा करी है जमीनी रूप पे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही सेवा करने का ही है, तो जो उनका सेवा भाव है वो दिख रहा है जमीन पे, और लोग जो है चाहते हैं कि उमंग जीत कर आए और उनके काम करें। अब की बार बीजेपी के क्या नए मुद्दे रहेंगे, क्योंकि 15 साल से निगम में बनी हुई है, तो कैसे जनता दोबारा विश्वास दिखा सकती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी की जो मुद्दे हैं ना, बेसिकली छोटी छोटी हमारे जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी परेशानियां होती हैं। सबसे पहला तो उनका वह जो अभी तक 98 से लेके अभी तक उनको रेगुलराइज नहीं हुए जो कर्मचारी, उनको रेगुलराइज करेंगे पहले तो, पक्के करना बहुत ज़रूरी है उनको, क्योंकि बेचारे उनके पिताजी भी मर गए, उनके बच्चे भी उस जगह पर आ गए हैं। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। और जो ये सफाई का जो मुद्दा है वो हम पूरे क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर नीट एंड क्लीन करेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं ना कूड़े का पहाड़ कूड़े का पहाड़, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो अपने कूड़े को फेंकने के लिए कहाँ जाते हैं। उनसे ये बोलो कि कूड़े के पहाड़ की बात करते हो, तुमने कौन सा काम किया है? आज स्कूलों की हालत देखो, बद हालत में, सिर्फ 2 स्कूल बनाने से ना दिल्ली नहीं सजती है। आप ये जो कर रहे हो, आज की डेट में गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चोरी चकारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, वो करते हैं कि हम तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे बोलो कौन सा आदमी उनका सच्चा है, और सारे के सारे भ्रष्ट हैं। और जेलों में जाकर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मसाजें हो रही हैं उनके MLO की, उनके मंत्रियों की। तो ये है उस पार्टी का चेहरा। और हम भारतीय जनता पार्टी वाले जो है भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, भ्रष्टाचार जो है हम खत्म करके रहेंगे जड़ से, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा हर कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। जब तक बीजेपी नहीं आएगी तब तक कोई अच्छा कार्य नहीं होगा। जब बीजेपी आएगी सारा अच्छा कार्य होगा, सबकी सुनाई होगी। यही पूछना चाहेंगे कि नारायणा वार्ड की जनता का आपको क्या हाल लग रहा है, क्योंकि 5 साल से बीजेपी थी यहाँ पर, आपने बीजेपी का काम देखा है, तो दोबारा बीजेपी पर मौका देने के हालात में है, विश्वास करने की? 100% मौका मिलेगा, और ये काम भी करते हैं। क्या हुआ है आपके क्षेत्र की अगर बात? देखिए, सफाई कर्मचारियों की प्रॉब्लम ये थी कि उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती थी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट पैसे नहीं रिलीज करती थी। तो उसमें हमारा परिषद क्या कर सकता था? बाकी जब भी रिक्वेस्ट हुई है सारे काम हुए हैं, सबके काम हुए हैं, ऐसी बात के नहीं हुए। उमंग बजाज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, और वो 100% जीत के आएंगे। जी अंकल जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी अब की बार NCD में? 100% जीतेगी, और मैं भी 6 महीने पहले आप में चला गया, तो उनकी ईमानदारी देख के मैं दोबारा बीजेपी में आ गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप आम आदमी पार्टी के बारे में? बिल्कुल महाभ्रष्ट पार्टी, चोर पार्टी, दिखावे वाली पार्टी, दिखावे वाले, मतलब जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ मैं। मैं खुद अपने आप गया था आम आदमी पार्टी में, और 6 महीने 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, लेकिन उनकी भ्रष्टाचारी और मैं कह दूँ कि कट्टर ईमानदारी देखते हुए मैं वापस आ गया। मैं नारायणा विहार क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमें पिछले पार्षद से भी सफाई करने के लिए हमेशा सपोर्ट मिलती रही है, और हम उमंग बजाज जी से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस नतीजे में पूरा उतरेंगे, और कमल को हम जिताएंगे और भाजपा को लाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। जी जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि नारायणा वार्ड की जनता दोबारा बीजेपी पर भरोसा दिखाएगी? देखिए, नारायणा वार्ड की जनता ने तय कर लिया है कि उमंग बजाज को भारी मतों से विजयी बना के सिविक सेंटर में बैठाना है। समस्याओं का अंत अगर कोई कर सकता है तो वो केवल उमंग बजाज कर सकता है। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका धंधा बाहर का बंदा नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तय कर चुकी है नारायणा वार्ड की जनता। लेकिन जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने 10 गारंटी पॉइंट निकाले हैं कि अगर वो MCD में आ जाएंगे तो ये सारे काम करेंगे, विश्वास है उस चीज़? ऐसा है, केजरीवाल तो उससे बड़ा झूठा मक्कार हिंदुस्तान के इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ। वो तो ये कहता था 8 साल पहले, उन्होंने क्या कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप देख रही हो क्या बन गया है, वो दिल्ली नहीं रही। दूसरी चीज, हर साल उसको ये कहने की जरूरत पड़ती है कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगले साल डुबकी लगा दूंगा। 8 साल, 1 दशक, एक बच्चा जो आज पैदा हुआ वो 7वीं क्लास में पहुँच जाता है 10 साल में। लेकिन आप ये देखो, आज हमारी यमुना माँ के साथ पूर्णतया अन्याय हो रहा है। क्या यमुना साफ हुई है? जब यमुना साफ नहीं हुई तो हर घर को स्वच्छ जल का, हर नल से स्वच्छ जल का जो वायदा केजरीवाल सरकार ने किया था, क्या वो पूरा हो सकता? नहीं हो सकता।
आज जो हमारे कैंप के लोग हैं, नारायणा गांव के लोग हैं, आप अपने चैनल को सुबेरे घूमिए, और मैं आपको कहना चाहूँगा आप एक वो मीटर आता है TDS मीटर, उसको लेके घूमिए गलियों के अंदर, आपको पता चल जाएगा TDS की वैल्यू क्या है। ये जगह जगह पे जो बोरिंग खोल के, और बोरिंग का पानी तो हमारा धरती माँ का पानी है, उसी पानी को हमें दे करके लोगों के पेट, लीवर, किडनियाँ, सारी तरह की बीमारियाँ लग रही है नारायणा क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे इतने हमारे सेवा बस्ती के लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने मोहल्ला क्लिनिक देखा है? नहीं, कहीं देखा मोहल्ला क्लिनिक? नारायणा के अंदर तो एक कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं। दूसरी बात, ये जो आम आदमी पार्टी का विधायक था विजेंद्र गर्ग 5 साल पहले, अगर उसने अच्छे काम किए, अगर उसने अच्छे काम किए होते 2020 में टिकट देते, 2022 में टिकट देते, क्यों नहीं दिया? इसका मतलब क्या है कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाया और उन्होंने यहाँ की जनता को बदहाल करने का काम किया है। जनता जाग चुकी है, उमंग बजाज, उमंग बजाज। आप जीतने के बाद जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है जनता का हाल? देखो जी, जनता का हाल ये लग रहा है कि MCD में तो BJP ही आएगी। क्या अच्छा लग रहा है आपको BJP? BJP इसलिए अच्छा है जी, बहुत ईमानदार पार्टी ने, जो ईमानदार कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया और ये काम कर रही है, और पार्टी के भी हमारी पार्टी में आ रही है क्योंकि उन्हें बहुत साफ सुथरी दिल्ली चाहिए और अच्छी सरकार चाहिए, तो अच्छी सरकार BJP में ही मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे, आपने सारी नेताओं को, सारी सरकारों को यहाँ देखा है, क्या लगता है BJP दोबारा परचम लहरा सकती है MCD? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगता है, पूरा बोलबाला है उमंग बजाज का, और काम करने वाला बच्चा है और समाज सेवक है। हम तो यही चाहेंगे कि उमंग बजाज आ जाए दिल्ली में, हमारी सरकार आ जाए, बस यही। हाँ BJP चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अभी हमने आपको दिखाया कि नारायणा की जो जनता है, नारायणा वार्ड की जो जनता है, उमंग बजाज के साथ है, BJP प्रत्याशी हैं, वो सबका एक ही कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं विजेंद्र गर्ग, वो 5 साल पहले विधायक रह चुके हैं, जब वो कोई काम करके नहीं दिखा सके तो अभी वो कैसे काम करेंगे। नेशन लाइव की टीम आपको हर क्षेत्र की जानकारी पहुँचाती रहेगी, हर क्षेत्र की जनता का क्या रुख है वो आप तक पहुँचाती रहेगी। बने रहें नेशन लाइव के साथ, कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना।